नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा है, आज मैंने मेरे इससे पहले पूर्व वीडियो में मैंने एक भरतराज शर्मा जी जो सुमधुर सुर के धनी हैं, उनके कुछ एक दो भजन मेरे वीडियो के माध्यम द्वारा आप लोगों को अवगत कराया था। आज मैं उन्हीं के घर पहुंचा हूं। यह है उनका गांव और जो ये घर दिखाई दे रहा है आपको, ये घर उन्हीं भरतराज शर्मा जी का है। और आज मेरा यहाँ तक उनके घर तक पहुँचने का मकसद ये है कि उनके पिताजी श्री हुकुमचंद शर्मा जी, जो पहले से ही काफ़ी गरीब थे, उनके माली हालात ठीक नहीं थे और पिछले 8-10 साल से वो एक मजदूरी का काम कर रहे थे और इसी दौरान पिछले 7 साल पहले उनको एक पैरालिसिस अटैक आया, जिसके चलते उनका शरीर का एक हिस्सा यानी कि पूरे दाईं ओर के राइट साइड के पूरे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सर से लेकर पैर तक पूरा पैरालिसिस हो गया, जिसके चलते पूरा परिवार का माली हालात और काफ़ी बिगड़ गए। जैसा कि मैंने कहा, बेबस लोग और सहयोग की दरकार जो मैंने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से चलाया है, इसी के तहत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। आज श्री हुकुमचंद जी शर्मा जी का मैं आज इंटरव्यू लूँगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आज किस तरह पूरा परिवार दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर है, उनको किन किन हालात का सामना करना पड़ रहा है और कर रहे हैं, और इसका वृत्तांत उदाहरण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और आप जैसे भले लोग, जो दयावान लोग, जो वास्तव में एक पुण्य का काम करना चाहते हैं, उसी के तहत कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि इस परिवार को एक सहयोग मिल सके और आप और हमारी तरह ही ये परिवार भी अच्छी तरह गुजर बसर कर सके। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा, इनकी माली हालात ठीक नहीं है और वो पैरालिसिस के शिकार हैं, ताकि उनको और कोई आप जैसे भले लोगों के द्वारा जो मिली हुई सहयोग से वो अपना इलाज कर पाए, परिवार का दो वक्त की रोटी जो है आराम से मिल सके और उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके और अपना उनकी इच्छाएं जो है आगे तक पढ़ने का पूरा हो सके। तो अभी मैं उनके घर में पहुंचा हूं, यह है उनका परिवार। अभी मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं श्री हुकुमचंद जी से मैं कुछ वार्ता करूंगा, उनसे कुछ प्रश्न करूंगा, जिनका जवाब वो खुद देंगे और अपने सारे हालात अपने शुभ वाक्य से आपको अवगत कराएंगे। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है, ये भी एक इंसान है, इनको भी आप लोगों की तरह जीने का अधिकार है। फर्क इतना है बस कि इन लोगों का माली हालात ठीक नहीं है और ऊपर वाले की मर्जी के हैं या इनके अपनी बदकिस्मती जो इनको इस तरह और इस हालात में आज जीने को मजबूर है। तो कृपया आप अपने सहयोगी हाथ खुशी खुशी से आगे बढ़ाएं। मैं पूरा इन परिवार का पूरा ही इनका, जैसा कि ये ऑलरेडी द एंटायर फैमिली इज बिलोंग टू वेरी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर ऑल्सो फेसिंग ए वेरी सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एज द मेन फैमिली पर्सन मिस्टर हुकुमचंद ही इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड एंटायर टॉप टू बॉटम इज राइट साइड एंटायर बॉडी इज नॉट कम्प्लीटली वर्किंग, दैट इज द रीजन ही इज अनेबल टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज। और मैं इनका राशन कार्ड और इनके जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी
मैं मेरे वीडियो को माध्यम द्वारा इसमें मैं दिखाऊंगा। उनका परिवार का पर्सनल उनका अकाउंट नंबर भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोग सभी जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई दूसरा सपोर्ट करना चाहते हैं, आप पर्सनली आके इन परिवार से मिल सकते हैं और आप अपने ओर से डायरेक्ट इनको सहयोग कर सकते हैं। तो आइए अब उन्हीं से बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये हुकुम चंद जी हैं। वैसे तो ये शारीरिक रूप से काफ़ी असमर्थ हैं, अभी किसी तरह इनका पूरा फैमिली है। इनके फैमिली में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं, जिनमें से ऑलरेडी 2 बेटियों का शादी हो चुका है, किसी तरह परिवार ने शादी कर दिया है। और ये सबसे बड़े बेटे हैं इनके, तो आपने ऐसे पहले के वीडियो में भी देखा है, भरतराज शर्मा जी ये काफ़ी सुमधुर सुर के धनी है और साथ ही ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है। इन्होंने डबल मास्टर डिग्री किया है और एम्प्लॉयमेंट उसमें जो लोकल गवर्नमेंट का वह है वहाँ पे भी उनका रजिस्ट्रेशन है। इसके बावजूद आज तक इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। और जैसा कि इनका परिवार का मुखिया श्री हुकुम चंद जी पिछले 7-8 साल से पैरालिसिस के मरीज है और पूरा परिवार का कोई आय का स्रोत नहीं है। और अभी उनको मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके उनके लड़कों ने, उनकी घरवाली और लड़कियों ने सहारा दे के उनको बैठा है हुकुम चंद जी, और उनको थोड़ा बातें करने में भी काफ़ी दिक्कत है। तो इसीलिए जहाँ उनको प्रॉब्लम रहेगा, उनके बड़े बेटे श्री भरतराज शर्मा जी इस वीडियो में जो मैं प्रश्नावली करूँगा उसका उत्तर देने में वो सहयोग करेंगे। तो आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और आप लोगों से वो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उनको चाहिए। तो नमस्कार, आप थोड़ा अपना नाम बताएंगे? जैसा कि इन्होंने बोला, इनका नाम है हुकुम चंद जी। और मैं इनसे नहीं बल्कि इनके बेटों से मैं जानना चाहूँगा कि भरतराज जी, अभी आपके पिताजी हुकुम चंद जी हैं, ये कितने साल के हैं और आपका गांव का नाम क्या है? आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? सर, हमारे गांव का नाम सिंबल नाड़ी है और कोड़ी विलेज में पड़ता है। कोड़ी का एक हिस्सा है, छोटा सा विलेज है सिंबल नाड़ी, और कोड़ी में ही पड़ता है। और मेरे पिताजी की उम्र अभी लगभग 50 वर्ष हो रही है जी, 50 से 51 वर्ष लगा हुआ है, 50 वर्ष के हो रहे हैं। और जे मेरी जितनी फैमिली, जे मेरी मम्मी जी हैं, इनकी कोई 45 ईयर्स एज ऊपर हो रही है, 45 से ऊपर। छोटा भाई इधर आगे आ जाओ। अच्छा, तो आपके टोटल कितने, 4 बहनें और 2? टोटल हम 6 बहन भाई थे, 2 की शादी करा दी है, 2 बहनें जो छोटी बैठी हुई हैं, छोटा भाई एक बहन। अच्छा, ओके, ठीक है। तो दर्शकगण, जैसा कि इन्होंने कहा, इनके गांव का नाम सिंबलबाड़ी है, जो कौड़ी गांव के अंतर्गत आता है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसा दूर दराज और रिमोट लोकेशन है जहाँ पे मुख्य सड़क से इनके घर तक पहुँचने के लिए लगभग 40 मिनट पैदल चल के आना पड़ता है। तो बोलने के लिए तो भारत सरकार ने कई सारे योजनाएं लाई है, और रूरल डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कई सारे गाँव रोड से जुड़े हैं, कई सारे स्कूल बने हैं और बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ पोस्ट भी बने हैं। परंतु यह अजीब विडम्बना है, बोलने के लिए हिम्मत नहीं बन पाती है, बोला नहीं जाता है कि आज तक ये लोग ऐसे गांव में रहने को मजबूर है जहां तक अभी तक एक सड़क की, अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिसके बदौलत इन लोगों को अपने स्कूल जाने के लिए 3 से 4 घंटा पैदल चल के जाना पड़ता है। जो आप समझ सकते हैं, इंसान आज के आधुनिक युग में 21वीं सदी में जो पूरा विश्व जी रहा है, तो इस सदी में अगर एक इंसान को कहना पड़े या चलना पड़े 1 घंटे से ज़्यादा का पैदल, तो आप समझ सकते हैं कि या कोई अलग ही दुनिया में रह रहे हैं क्या? शायद सभी का यही प्रश्न होगा, जैसा मैं सोचता हूँ। हालांकि सच यही है, हकीकत यही है कि इसी तरह ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं।